हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं एफिशिएंसी और सीओपी को लेके बात करेंगे। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि एफिशिएंसी और सीओपी को लेके बहुत ज़्यादा लोगों ने भौकाल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, एक चीज़ दिमाग में ठूस लिया गया है, वो क्या ठूसा गया है कि जो एफिशिएंसी और सीओपी का उल्टा होता है। ठीक है, और यही जब गलत गलत आदमी जब कंसेप्ट पकड़ता है तब जाके क्या होता है एग्जाम में जाने के बाद बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, कि हमको बताया गया था कुछ और, हमको पढ़ना था कुछ और, लेकिन हम पढ़ गए कुछ और, हम लिख के आ गए कुछ और। ठीक है, ये एफिशिएंसी और जो सीओपी की कहानी है, ये एफिशिएंसी और सीओपी एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये आधा सत्य बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी तो आप बात कर रहे हो, ठीक है, जो आपने हीट इंजन के लिए पढ़ा है, लेकिन जो आपने सीओपी पढ़ा हुआ है वो सीओपी आपका रेफ्रिजरेटर का भी होता है और हीट पंप का भी होता है। तो अगर आपसे एफिशिएंसी के साथ अगर सीओपी वाला टर्म्स को बोलता है उल्टा करने के लिए, तो कौन सा रखोगे, रेफ्रिजरेटर वाला रखोगे कि हीट पंप रखोगे? दूसरा चीज, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं जो बिल्कुल देखते ही खत्म है न्यूमेरिकल। आपको लगेगा कि बहुत क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, मुझे कॉपी पेन उठाने की जरूरत है, लेकिन वो सब क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल आप देखते ही बना सकते हो। तो आइए एक बार पहले हम लोग देखते हैं इस चीज में एफिशिएंसी और हीट पंप की कहानी। तो देखिए, मान लीजिए कि सपोज मान लो मेरे पास एक हीट इंजन है, ये हमारा टेम्परेचर हमारा T1 हो गया, ये हमारा हीट इंजन है, यहाँ से हमें मिला वर्क और यहाँ से आपका क्या है Q1 अमाउंट ऑफ हीट था, यहाँ से Q2 अमाउंट ऑफ जो हीट है उसको उसने रिजेक्ट कर दिया, कहाँ पर? T2 पर। कहानी क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये आपका हीट इंजन है। अगर हीट पंप की बात किया जाए तो क्या होता है, हीट पंप रेफ्रिजरेटर है, या फिलहाल मैं हीट पंप की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज ये आपका टेम्परेचर है और ये आपका टेम्परेचर मान लीजिए T1 है और यहाँ पर जब रिजेक्ट कर रहा है हाई टू टेम्परेचर, डेट इज अ सिंक टेम्परेचर, ये हो गया। तो इस केस में मान लीजिए इसको जो वर्क दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, हम W दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो अगर हम लोग इस पर बात करें तो देखिए एफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन, तो एफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन जब निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये जो एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना मिलता है, ये आपको मिलेगा क्या, 1 - T lower by T higher। ठीक है, एक काम करिए हम लोग लोअर हायर ले लेते हैं, ये आपका टी हायर, ये आपको ज़्यादा सही रहेगा। टी हायर इसको हम लोग ले लेते हैं टी लोअर, इसको हम लोग ले लेते हैं टी लोअर और इसको हम लोग ले लेते हैं टी हायर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये हमने लिखा है 1 - T lower by T higher, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या, TH - TL / T of H। तो ये जो आपका आया हुआ, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, ये जो आपका आया हुआ है क्या ही, एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन है। अब आपको क्या करना है, एक बार आप निकालिए ये सीओपी, सीओपी किसके लिए निकालोगे, यहाँ निकालते हैं सीओपी निकालिए किसके लिए, हीट पंप के लिए। तो हीट पंप का जो सीओपी निकालोगे तो क्या होता है, डिजायर बाई रिक्वायर होता है, और अगर हमारा रिवर्सिबल है तो उस केस में क्या होगा, डिजायर यहाँ पे क्या है, लोअर है कि हायर है, तो हायर है, तो ये देखोगे तो आपका TH है और डिजायर आप देखोगे रिक्वायर इसको क्या है, TH - TL, ये सब आपका प्रूफ हो क्या आया हुआ है रिवर्सिबल केस में। तो अगर आप ये दोनों को रिलेट करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, अगर मान लो इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इक्वेशन सेकेंड दे दो, तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, अब आपको फाइनली जो है कहानी दिख रही होगी, क्या दिख रहा है, देखो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, कौन कौन सा, एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन दैट इज इक्वल टू 1 / COP ऑफ द हीट पंप। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका कंक्लूजन आया हुआ है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अब देखो दिक्कत क्या है कि यहाँ पर हमारा क्या है कि हम लोग रेफ्रिजरेटर का जो कहानी है वो निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर होती है ना चीज़ें, तो रेफ्रिजरेटर का है तो रेफ्रिजरेटर का उल्टा नहीं होता है, किसका उल्टा होता है, ये हीट पंप का उल्टा होता है। तो ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और हम लोग आगे करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, क्या कहानी है कि जो एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन है वो सीओपी ऑफ द हीट पंप का अपोजिट होता है, ना कि रेफ्रिजरेटर का। बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो हीट पंप है ये हीट पंप का उल्टा होता है, ना कि रेफ्रिजरेटर का। अगर आपको रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है तो उसमें +1 करोगे तो हीट पंप निकल कर आएगा, और इस हीट पंप को उठा के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हीट इंजन का। ठीक है, ये सब डिराइव कराना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप मान लो क्या है, कहीं पर हीट पंप है कहीं पर रेफ्रिजरेटर है, तो कहीं पर अगर आप किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ हो जाते हो तो उस केस में आपको ये सब चीज़ें क्या हेल्प करेगी वहाँ पर। ठीक है,
तो ये कहानी क्लियर हुआ। तो ये आपका था नॉर्मली, तो ये ध्यान रखिएगा कि सीओपी और एफिशिएंसी के बीच में जो हमारा रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो अगर आपको कुछ भी सीओपी दिया हुआ है तो सीधा उसको पलटी मारोगे तो क्या निकल जाएगा आपको, एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीज़ें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पर ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पर फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं, जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाय करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।